हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी में बिजनेस के बारे में पता करने के लिए। बाकी तो आप एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए एड्रेस, क्योंकि लोग काफी सारे आते हैं तो पता नहीं रहता है एड्रेस के बारे में। या तो वो ज्ञान गंगा जो बिल्डिंग है दोस्तों वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा पैदल आना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप इधर दानापुर साइड से आ रहे हैं तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, वहाँ से खेमनी चौक से निकल के सीधा आपका नंदलाल छपरा का ये बाईपास बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपको ऑटो वाला उतार देगा। उस साइड से अगर आ रहे हैं तो वहाँ से निकल के डायरेक्ट आप आइएगा, ये यहाँ पे देखिएगा जय माता दी मंदिर आपको दिखेगा एक, ठीक है। मंदिर के जस्ट आपके अपोजिट साइड में फूड मार्ट ये कंपनी आपको दिखाई दे जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी का जो है डिजाइन वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंपनी है, आपको रोड से ही वहाँ पे जैसे ही उतरिएगा ना आप, तुरंत आपको ये दिखाई दे जाएगा, कहीं दूर नहीं है। और आप नियर बाय ये मंदिर का देख लीजिए, मंदिर के जस्ट सामने ही कंपनी है, ये आप देख सकते हैं फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग कितना बड़ा बड़ा दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे भी देख सकते हैं उस साइड भी लगा हुआ है, और ये सामने आपका बोर्ड है। तो चलिए मैडम से चल के पूरी जानकारी लेने वाले हैं कौन से बिजनेस के बारे में आज मैडम बताएंगी। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? जी सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम बताइए कि आज हमारी ऑडियंस के लिए कौन से बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारी कंपनी फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में। आप थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारा गोडाउन, ये आपकी बहुत सारी मशीनें भरी पड़ी हुई है, और ये आपका ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे ये आपकी दाल मिल वाली मशीनें हैं। दाल मिल वाला मशीन, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसी के बारे में बात करेंगे जी, बिल्कुल। तो मैम इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे कि मान लीजिए आपने बताया दाल मिल, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कोई मशीन को परचेज करता है, ठीक है, कोई भी कस्टमर, तो इसके साथ जो है कितना सेटअप होने वाला है, कितने सेटअप के साथ शुरू कर सकते हैं? ये नॉर्मल आपका एक सेटअप जी, एक सेटअप लगा के आप पूरा दाल को छील कर बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि ये आप सेटअप देख पा रहे हो, इधर आपका चलनी लगा हुआ है जो कि आपका चाल कर निकालता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप हॉपर में डाले दाल को जी मैम, तो आप चना हो गया, मूंग हो गया, या फिर अरहर हो गया, या फिर मसूर वगैरह हो गया जी मैम, तो ये सब दाल आप डालने के बाद यहाँ से आपका निकलता है। या इसमें ब्लोअर भी लगा हुआ रहता ब्लोअर है, जो कि आपका वेस्ट पार्ट जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे छिलका उसका हो गया, तो छिलका वगैरह सब कुछ आपको बाहर निकाल देता है। और इसमें पूरा एकदम फिनिशिंग वाला जो आपका दाल होता है ना वो निकालता है। उसके बाद आप अगर पॉलिशर मशीन लेना चाहते हैं तो पॉलिशर मशीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या बात है। और मैम जैसे इसका मशीन का बताइए, काफी बड़ा मशीन देखने से लग रहा है। हाँ जी सर। इस मशीन का जो मैम प्रोडक्शन होगा वो क्या रहने वाला है? प्रोडक्शन इसका 100 प्लस रहता है सर, 150 से लेके आपका 200 केजी तक चला जाता है इसका प्रोडक्शन। इसमें आप नॉर्मल घर के बिजली से आप इसको चला सकते हैं जी बिल्कुल। इसमें आपका ट्रिपल फेज कनेक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और भी हमारे पास जो मशीनें हैं जो सिंगल फेज पे चलती हैं, और अगर आपको ट्रिपल फेज का कनेक्शन लेना है, प्रोडक्शन हाई चाहिए 800, 900 या 1000 तक का प्रोडक्शन चाहिए घंटे का, तो वो मशीनें भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाती है। क्या बात है। और मैम इस मशीन के जैसे आपने बता दिया कि घर की बिजली से हम चला सकते हैं इजीली, ठीक है। ये मशीन काफी बड़ा होने वाला सेटअप, जैसे देखने से ही पता चल रहा है कि बड़ा है सेटअप, ठीक है। तो कोई अगर मान लीजिए लेके जाते हैं आपके यहाँ से मशीन, उनको चलाना आता नहीं है मशीन, कैसे सेटअप होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कैसे सेटअप कर सकते हैं? तो उसके लिए भी सर घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग टेक्नीशियन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि वेल ट्रेंड रहते हैं, आपके घर तक जाएंगे, आपके लोकेशन तक जाके आपको पूरा फुली ट्रेनिंग देंगे, और फिर किस तरीके से इसको चलाना है वो भी आपको सिखा के आएंगे जी बिल्कुल। और मैम उसका जैसे सिखाने का कोई चार्ज वगैरह आप लेते हैं? नहीं सर, वो भी आपका कोई चार्ज नहीं रहता है, सिखाने जाने का कॉस्ट पेड करना पड़ता है, और बाकी बिल्कुल फ्री रहती है। बिल्कुल फ्री एकदम। हाँ जी सर। क्या बात है। और मैम इस मशीन की वारंटी गारंटी क्या देते हैं? 1 साल हम मशीन पे वारंटी देते हैं, और भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसकी भी हम सर्विसिंग फ्री करते हैं सर, उसका भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम अगर मशीन में आ गई तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको फ्री सर्विस भी मिलेगी। क्या बात है। और मैम जैसे कि अभी जो उद्यमी योजना के तहत जो लोन सबका पास हो रहा है, ठीक है, किसी का पास हो चुका है जी, किसी को अपना कोटेशन बनवाना है लोन के लिए, तो कोटेशन कहाँ से बनेगा उनका? तो सर उसका भी हमारे कंपनी से आपको मिल जाती है। अगर कोटेशन आपको चाहिए, बैंक में जमा करना है, आपको लोन करवाना है, या फिर लोन का प्रोसेस जानना है, तो स्क्रीन पे आप नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। क्या बात है। कोटेशन भी आप एकदम फ्री में बना के दीजिएगा? बिल्कुल, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। क्या बात है। और जिसका मैम लोन पास हो चुका है, उनको जैसे यूनिक टाइप मशीन चाहिए, एक्सेलेटरी
नैपकिन वगैरह का हो गया या फिर काफी सारा बेकरी से रिलेटेड मशीन होता है, वो सब मशीन आपके पास मिलेगा? हाँ जी सर, सारी मशीनें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अगर जिनका भी लोन क्लियर हुआ है, जैसे सैनिटरी पैड हो गया, या फिर आप पेपर कप का ले लें, या पेपर प्लेट का ले लें, डिटर्जेंट केक का ले लें, डिटर्जेंट पाउडर का ले लें, मसाला उद्योग ले लें, या फिर पल्वराइजर वगैरह का ले लें, तो वो सारी मशीनें हमारे पास आपको मिल जाती है। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे ये सेटअप सर, ये आपका साइक्लोन में आ जाता है आटा चक्की मशीन। आटा चक्की, हाँ, एमएस बॉडी में आपको मिल जाएगा। इसका प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है सर। क्या बात है, मतलब कहने का मतलब है सारा मशीन जो भी चाहिए A to Z मशीनें हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगी। क्या बात, अब वो भी होलसेल रेट पे। होलसेल रेट में, और मैम जैसे इसमें तो कुछ खास जो है रॉ मटेरियल नहीं लगने वाला? नहीं सर, इसमें तो रॉ मटेरियल आपका नॉर्मल जो खेत में होता है दाल वगैरह, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका छिलका आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दाल ही हो गया, तो दाल आप बनाएंगे सर तो आपका जो पूरा बीज रहता जी है, तो बीज को ही ये निकालता है, दो भाग में आपको बांट देता है। मान लीजिए इसके अलावा मैम और कोई मशीन लेता है, जैसे कि पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन लेता है, ठीक है, उसमें तो रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगी। हाँ तो वो जो रॉ मटेरियल होगा वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी या नहीं? सर हमारे पास किसी भी तरह का रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जैसे पेपर प्लेट का ले लें, या फिर नोटबुक का ले लें, डिटर्जेंट का ले लें, डिटर्जेंट सोप का ले लें, तो सारी मटेरियल्स हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब एक छत के नीचे टेक्नीशियन भी दीजिएगा आप, मशीन भी दीजिएगा, रॉ मटेरियल भी दीजिएगा। बिल्कुल सर, क्या बात वो है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। क्या बात है, और मैम मान लीजिए कोई आपके ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, कि या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, कहाँ पे आना होगा या फिर बात आपसे कैसे हो पाएगी? तो बात सर आपको जैसे कि स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार में कहीं से भी हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जंक्शन के द्वारा आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो जंक्शन उतर के आप मीठापुर बाईपास आ सकते हैं। मीठापुर बाईपास से आपको नंदलाल छपरा की ऑटो मिलती है, वहां से आप नारायणी हॉस्पिटल के पास उतर सकते हैं, नंदलाल छपरा में, मेन बाईपास में ही पड़ता है सर। अगर आप बस के द्वारा आते हैं तो आप बस स्टैंड उतर के, 0 माइल बस स्टैंड उतर के, वहां से ऑटो आप पकड़ सकते हैं। वहां से 1.5 किलोमीटर के बाद है सर, 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, वहां से आप ऑटो ले सकते हैं, ऑटो आपको यहां तक छोड़ देगा। ठीक है मैम, थैंक यू जी सर, आपका भी धन्यवाद।